केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देश के हर कोने से मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से केरल के बाढ़ पीड़ित जनता की सहायता के लिए आवश्यक 52 प्रकार की दवाइयां भिजवाई गई। सचिवालय के पीछे सीएम राजय ने इन दवाइयों के ट्रकों को दिल्ली के लिए रवाना किया, जहां से इन्हें हवाई मार्ग से केरल पहुंचा जाएगा। इनमें डायरिया, उल्टी, बुखार, दस्त और पेट दर्द में काम आने वाली दवाइयां प्रमुख रूप से शामिल हैं। करीब 1,72,00,000 की अनुमानित राशि वाली इन दवाइयों को 3 ट्रकों में भरकर दिल्ली रवाना किया गया है। दिल्ली से हवाई जहाज के जरिए इन दवाइयों को त्रिवेंद्रम भिजवाया जाएगा। इस दौरान सीएम राजे ने बताया कि इन दवाइयों के अलावा केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए मंत्री, विधायक, आईएएस और आरएएस अधिकारी अपने एक दिन का वेतन केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए डोनेट करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए चिंतित है और यदि जरूरत पड़ी तो दूसरी सेवाओं के लिए भी राज्य तैयार रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मैं तो पूरे राजस्थान की ओर से कह सकती हूँ कि सब लोगों ने बाढ़ पीड़ित केरल पर ध्यान देते हुए अपनी संवेदना प्रकट करने का काम किया है। राजस्थान की ओर से 10 करोड़ रुपए हम लोगों ने राशि भी भेजे थे और साथ में आई वांट टू थैंक ऑल दी डिपार्टमेंट एज वेल एज और दी आरएमएससीएल ये दवाइयों का ये 3 ट्रक्स जो एस्टिमेटेड कॉस्ट सरकारी के हिसाब से होगा 1.72 करोड़, बट सरकारी कॉस्ट एंड कॉस्ट इन द मार्केट में फ़र्क तो है ही। अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ वर्थ ऑफ दवाइयों को विथ ऑफिसर्स को हम लोग आज शाम को दिल्ली भेज रहे हैं जो जाएंगे केरल एंड विल बी यूटिलाइज जितने जल्दी हो सके फॉर द बेनिफिट।